नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ भी। इंदौर के मऊ तहसील के एकमात्र सरकारी अस्पताल मध्य भारत में लगातार मरीजों को तरह तरह की सौगात लगातार मिल रही हैं। इसी कड़ी में मऊ विधायक एवं कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर और मऊ धार सांसद छतर सिंह दरबार ने सरकारी अस्पताल में पहुंचकर ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। इसके साथ ही हॉस्पिटल प्रदेश का तहसील स्तर का ऑक्सीजन प्लांट वाला पहला सरकारी हॉस्पिटल बन गया है। शुभारंभ अवसर पर मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने कहा है कि ये प्लांट महुआसियों के लिए संजीवनी का काम करेगी। स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री सुश्री उषा ठाकुर एवं एमएसएम अभिलाष मिश्रा के प्रयासों से वेंटिलेटर मशीन के बाद अब लगभग 60 लाख की लागत से, जिसमें 16 लाख विधायक निधि एवं बाकी जन सहयोग से बने ऑक्सीजन प्लांट का आज शुभारंभ कैबिनेट पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर और धार सांसद छतर सिंह दरबार, प्रदेश महामंत्री भाजपा कविता पाटीदार और पदाधिकारियों द्वारा किया गया। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए मंत्री द्वारा स्थानीय मध्य भारत सिविल हॉस्पिटल में लगभग 60 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई। इस ऑक्सीजन प्लांट से लगभग 850 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन प्रतिदिन प्राप्त हो सकेगी। 100 मरीजों को एक साथ ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सकता है। मंत्री सुश्री ठाकुर ने बताया कि आसपास के सभी उप स्वास्थ्य विभागों को भी यहीं से ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकेगी, साथ ही मऊ वासियों के लिए संजीवनी का काम करेगी। जल्दी सिविल हॉस्पिटल को एक और सौगात सिटी स्कैन मशीन भी मिलने वाली है। ये जो ऑक्सीजन प्लांट मध्य भारत हॉस्पिटल में लगा है, ये मऊ को मिली हुई अनूठी सौगात है। इस प्लांट के बाद मऊ स्वावलंबी हो जाएगा। इसे ऑक्सीजन के लिए इंदौर या पीथमपुर किसी पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। हमने देख लिया कोविड-19 की चुनौतीपूर्ण दौर में कि सारी व्यवस्थाएं स्वावलंबी ही होनी चाहिए। ये 850 क्यूबिक मीटर प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीजन और ये जंबो सिलेंडर्स को भी भर पाएगा बड़ी संख्या में, 24 घंटे में लगभग 120 से भी ज्यादा। तो ये दो दृष्टि से फायदेमंद है। एक तो सीधे लाइन से भी मरीजों को सप्लाई होगी और आसपास के उप स्वास्थ्य केंद्र यदि उनको जरूरत होगी तो उनको भी हम यहाँ से जंबो सिलेंडर्स भर के बेच सकेंगे। ये बंधुओं, बहुत ही मऊ के उन संभ्रांत नागरिकों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें जन सहयोग किया। क्यों नहीं करेगा, अवश्य करेगा। अभी तो देखिए, अभी बच्चों का जो पेडियाट्रिक का वार्ड जो तैयार करना है उसमें हम लोग लगे हैं। अभी माननीय सांसद महोदय से हमने सीपी ऐसी कोई मशीन होती है बच्चों के लिए, और वो मॉनिटर कोई एक लिए मांगा है, तो वो दोनों सांसद निधि से हम आग्रह करते हैं कि माननीय सांसद जी देंगे, ताकि तीसरी लहर के लिए भी मऊ बहुत पहले से ही स्वावलंबी बन के खड़ा रहे। अब वो तो अभी पूरी कमेटी बनाएंगे, इसके संचालन के नियम और शर्तें वो तय करेगा। सरकारी अस्पताल में सबको निशुल्क मिलने वाला है। कोई ऐसी इमरजेंसी आती है जैसे अभी आन पड़ी दूसरी लहर में, यदि ऐसा होता है तो फिर क्योंकि उनके भी आयुष्मान कार्ड के भी 20% बेड अपन ने सभी हॉस्पिटलों से अनुबंध किया है। तो देखिए, अभी ये बहुत ही क्रिटिकल बीमारी है और इसका इलाज के लिए अभी MYH को चुना गया है सरकारी अस्पताल के बतौर, और पूरे संभाग के सारे मरीज MYH में ही हमें भेजना होते हैं। अभी तक अपने यहाँ के भी जितने मरीज आए 6-8 सबको वहीं भेजा। मशीन भी अपने को मध्य भारत को प्राप्त हो गई है, ताकि वो एक बड़ी दिक्कत थी, निजी संस्थानों के अलावा व्यक्ति के पास कोई रास्ता नहीं था, तो वो भी शीघ्र ही शुरू हो। उसके भी रखरखाव के लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए उसमें जुटे हुए हैं। सिटी स्कैन भी शीघ्र काम करेंगे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।